इस भाई का तो मतलब जूते वूते कुछ भी नहीं है, इसे कुछ भी नहीं पता यार कैसे से बच्चे हैं स्कूल जाएंगे हैं। और तो मैं कल रात सारी बुके भाई पता है। कितनी बुके ले जा रहा है, कितनी सारी क्यों ले जा रहा है भाई, पागल वागल है क्या? सो गाइस आज हम इसके जूते लेने आए थे अभी, और इसकी किस्मत ही ख़राब है, जूते की दुकान अभी खुली नहीं साइड में, और इसे अब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज की शुरुआत हो चुकी है 1 अप्रैल से, आज है 1 अप्रैल, तो आज शहर में जाना है स्कूल। और ये देखो दीपक ने सुबह सुबह उठ के ये सारे अपने स्कूल के जुराब टूटने चालू कर दिए और रेडी भी हो गया। कितने बजे? 9:30 अभी, और हमें स्कूल जाना है, हमें स्कूल जाना है। कहाँ पे? यहाँ पे चोट नहीं लगी, अप्रैल फूल बनाया। अच्छा अप्रैल फूल भी बना दिया इसने मेरे को सुबह सुबह। तो अभी करते हैं स्कूल की तैयारी और हमें जाना है स्कूल 11:30 बजे तक निकल जाएंगे, बिकॉज 12 बजे तक हमें बस मिल जाएगी कोई ना कोई, और 12:30 बजे तक हम स्कूल पहुंच जाएंगे। आएंगे हम 6 बजे के आसपास तक। तो पहले मैं भी रेडी होता हूँ यार जल्दी से, पता चले बस जल्दी आ जाए तो हमें जल्दी निकालना पड़ेगा ना, तो होता हूँ रेडी, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अभी रेडी वेडी तो हो गए थे और ड्रेस व्रेस भी पहन ली। दो टाइप की हमारी ड्रेस होती है, एक तो कलरफुल और एक चेक वाली। तो चेक वाली में थोड़ी मतलब उसकी पैंट वेंट थोड़ी छोटी पड़ गई थी, इसीलिए ये वाली ड्रेस पहन ली। आज एक पहला दिन है, कुछ नहीं होता, और हमें ड्रेस का कोड भी नहीं पता, मतलब MWF होता है ना हमारा, 2 साल बाद स्कूल जा रहे हैं तो भूल गए सब। और ये देखो मैं अभी अपना बैग चेक मतलब निकाल ही रहा था रेडी करने के लिए, और ये हमारे कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट कागजात निकले जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, और ये हमारी न्यू बुक्स। और अब इसे हम इनमें डालते हैं, एक दो कागजात और हैं इन्हें भी निकाल लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्पीशियस, इनका कोई काम नहीं है। और इस भाई का तो मतलब जूते वूते कुछ भी नहीं है, इसे कुछ भी नहीं पता यार कैसे से बच्चे हैं स्कूल जाएंगे हैं। और तो मैं कल रात सारी बुके भाई पता है। कितनी बुके ले जा रहा है, कितनी सारी क्यों ले जा रहा है भाई, पागल वागल है क्या? और अभी इसके जूते और जुराब लेने जाने हैं, तो अभी चलते हैं बाहर, रेडी करता हूँ मैं पहले अपना बैग, उसके बाद इसके जूते जुराब लेने जाने हैं। ऐसे अगर बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना तो हमारे स्कूल हमारे इंडिया के बच्चों को कुछ नहीं होगा। यार ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, तो अभी बाहर चलते हैं चलो। सो गाइस आज हम इसके जूते लेने आए थे अभी, और इसकी किस्मत ही ख़राब है, जूते की दुकान अभी खुली नहीं साइड में, और इसे अब ऐसे स्पोर्ट्स शूज़ में जाना पड़ेगा या फिर पापा लाएंगे, संजय बारह से लाएंगे ना। तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं फिर क्या सीन रहता है यार। तो वैसे भी टाइम हो रहा है स्कूल का, चलते हैं, और वैसे भी पब्लिक वाले ऐसे देखे जा रहे हैं, पता नहीं मैं मीडिया वाला हूँ, तो घर पर मिलते हैं। इसकी दुकान मतलब इसकी किस्मत अच्छी है, जैसे जूते मिल गए इसे, वरना आज इसे ऐसे ही जाना पड़ता। और अभी लेने गए अंकल खुले, अंकल के पास खुले नहीं थे, मैं 500 का नोट लाया था, मैंने ब्लॉग चालू कर दिया, मैंने कहा अंकल के सामने तो नहीं बना पाऊंगा। अब भाई मिल गए ऐसे जूते, चलते सीधे घर और पहन के फिर सीधे स्कूल के लिए निकलेंगे, स्कूल से आके ब्लॉग बनाएंगे फिर। तो चलो फाइनली अभी घर आ चुके थे, मैं स्कूल गया हूँ, घर आ चुके थे, और अपना ब्रेकफास्ट जो कि खाने में है 2-3 रोटी और सब्जी और ये रायता। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, लेट्स ब्रेकफास्ट टाइम, और फिर उसके बाद चलते हैं स्कूल, आएंगे शाम में फिर बनाएंगे शाम में ब्लॉग। तो बाय बाय फॉर 3-4 आवर्स, नहीं 4-5 आवर्स, यार पता भी नहीं कितना स्कूल का टाइम है, 5:30 बजे छुट्टी हो जाएगी ये तो पता है, 6-6:30 बजे तक हम घर पे आएंगे। तो मिलते हैं स्कूल जाने के बाद। You say never let me go.
बिल्कुल चलते हैं अब सीधे यहाँ से और मिलते हैं आपसे शाम में, तो शाम तक का हमारा वेट करें, तो मिलते हैं स्कूल के बाद, बाय। और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है दीपक, एक बार इसका मुँह दिखा देता हूँ आपको, ये अब ये कैमरा बंद करेगा, बाय बाय करके कैमरा बंद कर दो भाई, बाय बाय तो कर, बाय बाय, ठीक है मिलते हैं आके, मैं भी आपको बाय बाय कर देता हूँ, बाय बाय और कैमरा बंद। सो गाइस फाइनली भी ट्यूशन से स्कूल से आ चुका हूँ यार, ट्यूशन के आता था ना क्योंकि इस टाइम में ट्यूशन से आता था, तो अभी स्कूल से आ गए हैं, दीपक गए नहाने और अभी बज रहे हैं, टाइम देख सकते हो अभी मैं 10-15 मिनट पहले आ गया था, तो 7 बजे से थोड़ा पहले आया हूँ, और मम्मी बोल रही है कि आज अजीब सा लग रहा था, तुम स्कूल गए थे तो मम्मी से पूछते हैं, और भाई हम भी बहुत बोरिंग हो रहे थे, मतलब पूरा टाइम बैठे रहना, और घर पर हम 2 साल से जैसे कि अपने मन मर्जी के थे, और स्कूल जाके हमें बैठना, मतलब डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, नहा के एकदम मस्तानी लाइफ में मज़े आ गए भाई आज स्कूल जाके। रिव्यू दे दे भाई कैसा लगा, एक तो भाई इसका बहुत बैग भारी था, मतलब बच्चों का ना ये तो अपनी पूरी बुक ले गया था, पूरी बुक्स, और जबकि मैं अपनी 3-4 मतलब मेन सब्जेक्ट की बुक्स ले गया था और कॉपी से ले गया था, और ये अपना पूरा बुक ले गया था, पूरा जो भी बुक सेट आया था, और इसकी वजह से आज एक बस भी मिस हो गई थी, इसलिए मुझे आधा घंटा लेट हम स्कूल पहुँचे, मतलब स्कूल की टाइमिंग पे पहुँच गए थे, फिर भी जो हमने सोचा था कि थोड़ा पहले पहुँचेंगे, तो अभी मम्मी से ही पता करते हैं। और लगा कैसा आज स्कूल में तेरे को? ऐसा मजा आ गया, सेकंड पीरियड प्लेइंग का था और फर्स्ट पीरियड में मैं हमने ये इतना खिलाया, खाने वाला खिलाया नहीं, खेलने वाला खिलाया, तो एक बार चलते हैं मम्मी के पास। आज कैसा लग रहा था बिना हमारे स्कूल घर, सुना सा अभी हमारे लिए सब्जी बन चुकी है सीताफल की हाँ। ये तो मम्मी मुझे और मम्मी बता रही है कि पापा आज दिन में रेस्ट भी नहीं करा पापा ने, बिकॉज पापा सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे, पहले हमारी बस लगी थी ना ट्रांसपोर्ट स्कूल की, तो इसी वजह से पापा फिक्र कर रहे थे, भाई जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं और स्कूल से थोड़ा होमवर्क मिल रखा है उसे पूरा करते हैं, और वैसे ही व्लॉगिंग स्टाइल में थोड़ा सा कैमरा सीधा करते हैं। और भाई अभी हम संडे को कुछ धमाका करने वाले हैं, देखते हैं वो कौन सा धमाका, हमारे मन में 2 आइडिया सूझ रहे हैं, एक तो इस संडे को करेंगे और एक अगले संडे को करेंगे, तो व्लॉग देखते रहना रेगुलर, जो कि मैं रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपने मेरा रिजल्ट वाला व्लॉग नहीं देखा तो उसे भी देख लेना, बहुत बढ़िया था, आपको पता चल जाएगी मेरी 9th में कितनी परसेंटेज आई थी। भाई जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और नहाते आता हूँ, तो मिलते हैं ड्रेस चेंज करने के बाद, तब तक चलिए। अभी हमने डिनर कर लिया था और अपना थोड़ा रहा था स्कूल वर्क, तो स्कूल होमवर्क करते हैं और फिर चलते हैं अंदर, दीपक दे रहे टीवी क्योंकि उसने आज पूरा दिन टीवी नहीं देखा, तो उसके भी हाल चल देंगे अभी, और वैसे वो पूरा दिन टीवी देखता रहता है, तो अभी वो टीवी देख रहा है, तो मैंने कहा पढ़ाई करने को, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, तो करते हैं अपना काम, उसके बाद अंदर जाएंगे थोड़ी मस्ती करेंगे, फिर व्लॉग एंड कर देंगे, फिर कल नया व्लॉग चालू करेंगे। यार स्कूल जाने के बाद ना व्लॉगिंग कुछ अधूरा लगता है, कोई नहीं करते हैं यार, काम भी मिला हमें चार्ज ज़्यादा, तो पहले काम करते हैं फिर आपसे बातें करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली भी काम वाम हो चुका है, बहुत टाइम हो गया, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं काम करते करते सो गया था, बिकॉज भाई स्कूल गए थे थोड़ा थक गया था, तो अभी मेरे को स्कूल के लिए रेडी हुआ, ब्लॉग करना यहीं पे एंड, ये ब्लॉग हो जाएगा अपलोड कल तक, हल्का फुल्का एडिट भी हो गया, और ब्लॉग करना यहीं पे एंड, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों भी, लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।